गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए मैं आज शुरू करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में। देखिए पहले मैं आज शुरू करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस में सब्जेक्ट की नाम है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैं फर्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूंगा बेंडिंग मोमेंट। फर्स्ट टॉपिक मैं शुरू करूंगा बेंडिंग मोमेंट्स। देखिए ये जो सब्जेक्ट है इस पे मैं अगर कुछ मेथड्स है सिखाने जाऊंगा, जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन हो गया, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हो गया, तो बहुत सारे ऐसे एनालिसिस के मेथड्स है जो मैं अगर सिखाने जाऊंगा। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। जैसे बेंडिंग मोमेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो इसके लिए कुछ चीज़ें जानना है। जैसे मैं पहला लिख लेता हूँ, देखिए ये एक बीम है, पहला हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो और इसका जो डिस्टेंस है एल बाई टू है दोनों तरफ, तो इस स्पैन के लिए बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एट द सी पॉइंट, बेंडिंग मोमेंट के मैक्सिमम वैल्यू एट द सी पॉइंट हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई फोर। ये आप लोगों को याद रखना है कि बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगा कंसेंट्रेटेड लोड सिंपली सपोर्टेड बीम में डब्ल्यू एल बाई फोर, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ये हो जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ये इस तरीके का थोड़ा डायग्राम हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ट्रायंगुलर टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पे ये है आपका डब्ल्यू एल बाई फोर। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये आप लोगों को याद रखना है किसी भी तरह। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हो गया पहला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखाऊंगा आप लोगों, डेट इज नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट है फिर से सिंपली सपोर्टेड बीम, लेकिन इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और इसका जो लोड है W पर मीटर, और इसका जो लेंथ है टोटल लेंथ वो हो जाएगा आप लोगों का L। टोटल लेंथ हो गया आप लोगों का L। सो अगर मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है तो बेंडिंग मोमेंट के जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू होगा सेंटर में होगा, डेट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट वैल्यू होगा, और इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो आप लोगों का पैराबोलिक होगा। ठीक है, पैराबोलिक होगा और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा एट द सेंटर होगा, एट द सेंटर में सेंटर पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगा विच विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम बताऊंगा आप लोगों को, दैट इज थर्ड में सेम टाइप ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम ही है, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में ही एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा के रखा है, लेकिन दोनों तरफ
हाफ डिस्टेंस नहीं है, एक हो जाएगी ए, दूसरा हो जाएगा बी। तो इसमें जो बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एल। एल का मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है ये आप लोगों का एल है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया एल। सिमिलरली इसमें भी फॉर्मूला क्या, मतलब इसमें भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें भी आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा इस तरीके का, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ये हो गया थर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका भी वैल्यू आप लोगों को किसी भी तरह याद रखना है, डेट डब्ल्यू ए बी बाई एल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आप लोगों को मैं बताऊंगा फोर्थ नंबर में क्या है, एक तो बीम हो गया, इसमें देखिए मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम दिखा दिया, सिंपली सपोर्टेड बीम विद कॉन्सेंट्रेटेड लोड दोनों पोर्शन में दिखा दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिखा दिया। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड अब मैं दिखाऊंगा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका जो वैल्यू होगा W पर मीटर होगा और लेंथ जो है ये L हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू होगा, द बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू 0.06415 W L square। दिस विल बी द 0.06415 W L square, दिस विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ओनली बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, ठीक है। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हैं। अब मैं फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ये भी वैल्यू कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। देखिए फिक्स्ड एंड की आप लोगों को डिराइवेशन की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है, एक तो हो गया आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के वैल्यूज और दूसरा है फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के वैल्यूज। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखना है अगर आप लोग न्यूमेरिकल करने जाओगे, स्पेशली स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करने जाओगे या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करने जाओगे या कानिस मेथड करने जाओगे। बहुत सारे ऐसे एनालिसिस के मेथड्स हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें सबसे बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ डिटेल्स में कि बेंडिंग मोमेंट्स की फॉर्मूला क्या हो सकता है एज वेल एज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स की फॉर्मूला क्या हो सकता है। फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला देखिए, फिक्स्ड एंड मोमेंट में ये चीज़ें याद रखना है कि दोनों जो एजेस होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। पहला टाइप ऑफ बीम है उसमें क्या है, फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड एंड्स का मतलब है दोनों तरफ आपका फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड होने के बाद अगर एक लोड लगेगा सेंटर में एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू दोनों तरफ, अगर W के W वैल्यू के लोड है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट अगर ये हो गया आप लोगों का A पॉइंट और ये हो गया आप लोगों का B पॉइंट। तो ये एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स्ड एंड मोमेंट की जो रोटेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और राइट हैंड साइड में हमेशा जो रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अब वैल्यू हमें लिखना होगा, वैल्यू क्या होगा, अब वैल्यू होगा मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू होगा एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है माइनस, सो माइनस ऑफ डब्ल्यू एल बाई एट और फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम
बी टू ए, अब हो जाएगा आप लोगों का बी टू ए यहाँ इस तरफ से। सो बी टू ए क्लॉकवाइज का मतलब है पॉजिटिव, सो पॉजिटिव ऑफ डब्ल्यू एल बाई ए। सो ये दोनों वैल्यू हो गया फिक्स्ड एंड मोमेंट के वैल्यू। अगर बीम में कॉन्सेंट्रेटेड लोड है सेंटर में, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर बी में इस पे दोनों एजेस फिक्स्ड है, लेकिन अगर जो लोड है वो सेंटर में नहीं है, मतलब एक तरफ ए है दूसरा तरफ बी है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर दोनों एजेस डिफरेंट है तो देन मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू ए इंटू बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एल का मतलब है ए प्लस बी। उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट फ्रॉम बी टू ए विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाई एल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हो गया आप लोगों का फिक्स्ड एंड मोमेंट, अगर सेंटर में ना हो तब यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है फिर से तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन में क्या करना है, देखिए अगर बीम है दोनों एजेस फिक्स्ड है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ठीक है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट में, तो मोमेंट, तो वैल्यू क्या होगी? अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है देन द मोमेंट फिक्स फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12, और मोमेंट फिक्स फ्रॉम बी टू ए विल बी नॉट माइनस बट दिस वन विल बी इक्वल टू प्लस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। दोनों वैल्यू माइनस एंड प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तब। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आप लोगों का फोर्थ में क्या होगा, अगर फिक्स्ड एंड है और दोनों एंड्स फिक्स्ड है, लेकिन जो बीम है प्रेजेंट वो कौन सा टाइप ऑफ बीम है, लेकिन जो भी लोडिंग है वो कौन सा टाइप ऑफ लोडिंग है, कौन सा टाइप ऑफ लोडिंग है, वो हो गया आप लोगों का यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तब वैल्यू क्या होगा, तब हम लोग के पास जो वैल्यू होगा दैट इज मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा माइनस, पहले तो माइनस लिखना है, उसके बाद डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20 होगा और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30 होगा। अब आप लोगों को याद कैसे रखना है कि किस तरफ 30 होगा और किस तरफ 20 होगा, देखिए ए में ज़्यादा वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू है क्या मतलब है मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब कम से डिवाइड करना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20 होगा, और मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम बी टू ए का मतलब है कम वैल्यू है तो ज़्यादा से डिवाइड करना होगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 20 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 30। सो ये दोनों वैल्यू है ठीक है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा नंबर,
सॉरी, नेक्स्ट नंबर है दोनों एजेस फिक्स्ड है। अगर इसके ऊपर जो लोडिंग है वो ट्रायंगुलर टाइप ऑफ लोडिंग है, ठीक है, अगर लोडिंग कौन सा टाइप ऑफ लोडिंग है, ट्रायंगुलर टाइप ऑफ लोडिंग जो है, तब क्या होगा, तब भी हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला होगा मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5/96 डब्ल्यू एल स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट फिक्स्ड फ्रॉम बी टू ए का वैल्यू होगा प्लस 5/96 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू हो गया प्लस एंड माइनस 5/96 डब्ल्यू एल स्क्वायर फिक्स्ड एंड मोमेंट, और दोनों इन एंड्स फिक्स्ड होना चाहिए। अब जितनी भी लोडिंग है सबके लिए मैंने वैल्यू लिख दिया। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट आप लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट्स के कॉन्सेप्ट एज वेल एज फिक्स्ड एंड मोमेंट्स के कॉन्सेप्ट। मतलब बेंडिंग मोमेंट भी इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है और फिक्स्ड एंड मोमेंट्स भी आप लोगों को याद रखना है, और जितना भी फॉर्मूला है मैंने बता दिया वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल आज के लिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में कि स्लोप डिफ्लेक्शन से कैसे हमें एनालिसिस करना है। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।